तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों को पूरा ज़रूर से देखना चाहिए जो लोग एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप विंडोज़ में जब आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आता है, मान लीजिए कोई ड्राइवर काम नहीं कर रहा या फिर साउंड काम नहीं कर रहा या फिर कुछ मतलब सॉफ्टवेयर इशू आ गया है उसके अंदर, तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो, वही मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुल मिला के दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ ट्रबल शूटर के बारे में, जिसके मदद से आप किसी भी प्रॉब्लम वगैरह को फिक्स कर सकते हो, जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम जो आते हैं हार्डवेयर के रिलेटेड नहीं बल्कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप कैसे फिक्स करते हो, वही मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके विंडोज़ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस इशू को आराम से फिक्स कर पाओ। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम बढ़ते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ। तो अब गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है और आप फिक्स करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज़ के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स में आपको चले जाना है। अब सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको आ जाना है और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रबल शूट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन भी बना है जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग्स वगैरह दिए गए हैं। अब एक्चुअली ये सेटिंग्स नहीं है, अब मान लीजिए किसी चीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम आता है, जैसे कि इंटरनेट को अगर आप प्रॉब्लम आता है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, ऑडियो नहीं चलती तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, अपडेट नहीं हो रहा है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं, अगर इन चीज़ों के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इनको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद रन द ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ी देर टाइम देना है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होएगा, ठीक है। तो डिटेक्ट हो जाने के बाद वहाँ पे आपको एक फिक्स का बटन भी आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे होता यह है कि मान लीजिए जब आपने लैपटॉप को खरीदा था तब ये प्रॉब्लम जो है वो चल रहा था, ठीक है, अब ये नहीं चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि एक बार फिर से इसको रीस्टार्ट कर देता है, ठीक है, ये सेटिंग को रीस्टार्ट कर देता है तो सब कुछ पहले जैसे हो जाता है और सब कुछ अच्छे तरीके से काम करने लगता है। अगर आपका हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब आपका फिजिकली कुछ डैमेज नहीं हुआ होगा तब, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्लेइंग ऑडियो के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि आपको किस में ऑडियो प्ले करने में दिक्कत आ रही है, स्पीकर में, हेडफोन में, हेडसेट में, तो यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ ट्रायल के लिए। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर से डिटेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ओपन ऑडियो एनहैंसमेंट, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम वो डिटेक्ट होता है और फिक्स का बटन भी आ जाता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आता है। अगर आपको यहाँ पे कुछ इनेबल डिजेबल है, ठीक है, तो उसको आपको इनेबल करना है, उसका ओके के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। अब आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा इसके अंदर या फिर आप जिस भी किसी के अंदर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम को फिक्स करना है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद और पसंद आया तो इसको लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि दोस्तों आने वाले समय में जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आप उनको सबसे पहले देख पा सकोगे। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।